एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है। यहाँ आजमगढ़ में आए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आजमगढ़ शहर के गोल्डन फॉर्चून होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजमगढ़ सदर के भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के अलावा भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद थे। आपसे शुरू, आपने बहुत सी चीजें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, सरकार की नीतियों को बताया। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अग्रिष्ट ये कराना चाहूंगा कि क्या ये चीजें धरातल पर दिख रही हैं? निश्चित रूप से तीन चीजों का उल्लेख करूंगा। जैसे आपने किसानों के विकास की बात की, तरक्की की बात की, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटा पशु किसानों के लिए एक समस्या बन गया। सरकार ने बड़ी योजनाएं लागू की, गौशालाएं बनवाई, उसमें पशुओं को रखने की बात की, लेकिन मैं आपसे अनुरोध ये करूंगा कि किसी एक गौशाला का आप निरीक्षण करें, न उसकी स्थिति सही है न किसानों की स्थिति सही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले अनुरोध किया था कि अगर आप लोकल बेस पर कुछ पूछेंगे तो मेरे लिए दिक्कत होगी। सर, उपलब्धियों को आप संक्षेप में किस तरह बताना चाहेंगे? देखिए, आज आप सुदूर पूरब उत्तर पूर्व में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, या फिर आप उत्तराखंड के लास्ट जो माना बॉर्डर है, 19,000 फीट की ऊंचाई पर, मैं अभी पिछले दिनों स्वयं वहाँ पर गया, एक बॉर्डर है जादुंग बॉर्डर। ये एक बॉर्डर है बाड़ा होती, एक है लवथल सिक्किम में। इन बॉर्डर पर मैं स्वयं गया हूँ, आखिरी छोर तक गया हूँ। ये कहूँ कि चीन अधिकृत क्षेत्र में कदम रख के आया हूँ। आज वहाँ तक A1 सड़कें बनी हैं और 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर की सड़क का मैंने इसलिए जिक्र किया कि अब तक इसलिए सड़क नहीं बनाते थे कि चाइना दुश्मन बगल में है, वो कहीं इसका दुरुपयोग न कर ले। आज भारत की सेना 24 घंटे में किसी भी बॉर्डर पर पहुंचने की स्थिति में है सड़क मार्ग से। रेल मार्ग आज प्रतिदिन 14 किलोमीटर के हिसाब से बन रहा है। मेट्रो में आज भारत पांचवां स्थान, आज मेट्रो में भारत का है। बहुत तेजी से यहाँ पर मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी से आप देखिए कि 12 एयरपोर्ट तो आपके उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और पूरे देश में जो हवाई सेवाएँ हैं उनको विस्तार किया जा रहा है और एयर सर्विसेज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह से आप किसानों की आय आज दुगनी करने का जो टारगेट रखा गया था उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हेल्थ के क्षेत्र में देखिए आप, नई शिक्षा नीति, सब चिल्लाते थे कि नई शिक्षा नीति, लेकिन नया शिक्षा नीति हो क्या, उसका कोई विकल्प कोई दे नहीं पाया। आज नई शिक्षा नीति देने का काम हमारी सरकार ने किया। सर, आपने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति है, आप कोर्ट परिसर में एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है, पुलिस अभिरक्षा में अतीक और असरत की हत्या कर दी जाती है, मणिपुर में महीनों से हिंसा थम नहीं रही है, तो कैसे माना जाएगी? देखिए, मणिपुर का जो हिंसा है वो दूसरी तरह है और उसको भी नियंत्रित कर लिया गया इतने कम समय में। वो उसको नियंत्रित करना, जिस तरह का वहाँ पर आपसी लड़ाई है और जैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, 90% एरिया ये पर्वतीय क्षेत्र है और 10% क्षेत्र ऐसा जो घाटी का क्षेत्र है जिसमें थोड़ा बहुत मैदानी इलाका है। अब उन परिस्थितियों में इसी चीज़ को नियंत्रित कैसे किया जाए, हमारी सेना ने उसको बहुत जल्दी उस हिसाब से नियंत्रित करने का काम किया है। अब ये घटनाएं हैं, जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से हम कानून व्यवस्था का ठीक से आकलन नहीं कर पाएंगे। होल में हमको विचार करना पड़ेगा कि आज क्या हम खुले में घूम रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसका जवाब आप पाएंगे वो सकारात्मक। सर, बेरोजगारी दर घटी है या बढ़ी है 2014 से अब तक, क्या बताना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी हटाने के लिए अभी बहुत
ये कहें कि मजबूत तरीके से काम हो रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से काम हो रहा है। और बेरोजगारी क्योंकि बीच का एक कालखंड ऐसा आया कोरोना के कारण, जरूर हमारे ये सब चीज़ें प्रभावित हुई, उद्योग बंद हुए, व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन उसको घटाया गया है, उसको रोकने का काम किया गया है। और आगे चल करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई रोजगार मेले लगाइए और खुले में आप ये रोजगार के जो उनकी नियुक्ति पत्र है वो देने का काम करें। तो जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको फॉलो कर रही है। सर, महंगाई बढ़ रही है सर, खेल को लेकर के आपने एक कहा कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ है, खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, आपके सांसद पर आरोप लग रहा है, सरकार मौन है, आखिर क्यों? देखिए भाई, देखते बताओ, मैं खिलाड़ियों ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली है और धरना भी समाप्त कर दिया है। और इस खिलाड़ी ने जो नाबालिग है जिसने आरोप लगाया था, उसने आरोप भी अपने वापस ले लिया। दूसरी बात जो उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी किसी पर आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है हमारे संविधान के मुताबिक, उसकी जांच होती है। जो उन्होंने कहा उनको जांच में उनके लोगों को रखा गया, कोर्ट में भी काम, कोर्ट अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। नहीं सर, आपकी बात सर, प्रतीक्षा करना चाहिए। आप आखिर किसी पर भी कोई कार्रवाई करते हैं, मर्डर हो जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, इसलिए प्रोसीजर के तहत सब काम हो रहा है। सर, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ें महंगी हो रही है। एकता पे क्या कहेंगे, जिस तरीके से 24 को लेकर एकजुट हो रहे हैं, पटना में हो रहे हैं? ये तो भैया ऐसा है कि उनको मोदी जी का भय सता रहा है और ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, भय के कारण इकट्ठा हो रहे हैं। कोई उसके पीछे कोई देश की चिंता है, कोई सकारात्मक सोच है, ऐसा नहीं है। और इसलिए उनकी एकता अभी होती है कि नहीं होती है वो समय आने पर पता चलेगा। सर, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ें महंगी हो रही है, इस पर क्या कहना? 9 साल पूछे हैं सर आपके, 9 साल के सरकार के उपलब्धियों पर, तो उनका कहना महंगाई, बेरोजगारी, चाइना से हमारी जमीन कब्जे में है, प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं। 18 चाइना ने जब कब्जा किया तो उस समय कौन देश का प्रधानमंत्री था आप बताइए, कौन था? पाकिस्तान ने जब पीओके बना, किसने उसको यूएनओ में भेजने का काम किया, कौन प्रधानमंत्री था? तो सर, अब वो स्वर्गीय हो गए, उनका नाम हमसे क्यों दिवाना चाहते हैं आप? तो सर अब क्यों नहीं सरकार को खाली करना चाहिए? एक इंच जमीन भी किसी ने हमारी कब्जे में लेने का काम नहीं कर पाया है। सर, महंगाई के लिए क्या कहेंगे, जैसे 9 साल की उपलब्धियों में भाजपा को भाई जब किसान होता है, देखिए जब मूल्य वृद्धि हुई है, स्वाभाविक फेनोमेना है, दुनिया की तुलना में अगर आप देखेंगे तो भारत की महंगाई दर सबसे कम है दुनिया की तुलना में। और आज मूल्य तो मिल पड़ रहे हैं, सातवां वेतनमान आप दे रहे हैं, तब तनख्वाह कितनी थी, आज कितनी तनख्वाहें हैं, तब मजदूर की दिहाड़ी कितनी थी, आज कितनी दिहाड़ी है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। मैंने इसमें होल में विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी इनकम कितनी बड़ी है, अगर उसको भी हम देखेंगे तो तब मैं समझता हूँ कि सही। पूर्वांचल में सर आप टहले हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है 2024 को लेकर? मेरे ख्याल से सवाल काफ़ी हो गए, लेकिन पूर्वांचल में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में जीतने का परसेंटेज बढ़ाना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है। सर, एक सवाल मेरा भी है कि आप तो उत्तराखंड से देते हैं, पश्चिमी यूपी का अलग है, यहाँ बुंदेलखंड का अलग है, ये पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप भी जिले जा रहे हैं, आखिर आपको सबसे पहले तो क्या चीज़ आपको नज़र आती है कि जिसमें सुधार की आवश्यकता है, या फिर यहाँ जिस तरीके से जातिवाद या समीकरण या संप्रदायवाद को लेकर घुमा करके वोट गिराने की चलती है? हम देश की जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के हित के लिए हम मतदान करें, हम इकट्ठे हों। ये जातीय राजनीति बहुत हो चुकी है, इससे हटने की जरूरत है। इन जातीय राजनीति ने इस प्रदेश को गुंडा राज में धकेलने का काम किया है, इस राज्य को गुंडा राज में धकेलने का काम किया है। जिन्होंने बम विस्फोट किए, अयोध्या में हों चाहे प्रदेश के अन्य हिस्सों में हों, उनको माफ करने का काम किया है इस जातिवाद की राजनीति ने। उस जातिवाद की राजनीति से उठने की जरूरत है। यहाँ
अखिलेश यादव जैसे लोग जिन्होंने खुलेआम गुंडों को मान्य बनाने का काम किया है उनसे बचने की जरूरत है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।